सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दो ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनिता विनाश, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन और रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो यार बहुत ही मैं कहूंगा मेरी तरफ से गुड न्यूज है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए कि सिद्धू भाई का एक और बार हम गाना सुन पाएंगे। मतलब इस गाने के ना ऊपर रिएक्शन करने से पहले मैं सोच रहा था जब तक ये गाना ऑफिशियल लॉन्च नहीं होगा मैं इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करूंगा। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे को कहा है कि यार प्लीज इसके ऊपर आप जरूर रिव्यू दो, तो मैंने भी ये सुना तो मुझे पता चल गया कि ये गाना खुद डिवाइन ने एक स्टेज शो के ऊपर रिवील किया है कि सिद्धू भाई के साथ उनका गाना आने वाला है। गाने का नाम है चोरनी, और जिसके अंदर डिवाइन ने रैप करा और सिद्धू भाई ने अपना गाना गाया है, उसके कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि शायद हम सुन पाएंगे। तो मैं पहले गाना सुनूंगा उसके बाद मैं बात करूंगा। मैं भी पहले गाना ही सुनूंगी फिर उसके बाद बात करूंगी। तो अगर आप यहां तक आए हो, आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आप चाहते हो ऐसे हम आपके फोन की स्क्रीन पे टीवी की स्क्रीन पे हमेशा दिखते रहें, तो हमारे 50K करा दो, चैनल को सब्सक्राइब करा दो, लाइक कर दो, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, सीखा होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन करते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्या बात है, भाई है भाई है, क्या हो रहा है जबरदस्त वाला कोलैब आने वाला है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दुनिया में फिर से ट्रेंडिंग नंबर वन पे मेरा भाई आने वाला है, वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला, जो कि उनका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। इस गाने को आप सुन लोगे ना यार, मतलब वाइब्स आ जाएगी आपको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून होता है ना ब्लड खोलेगा, मतलब टेंशन आ जाएगी यानी सरकारा, मतलब बहुत ही जबर तरीके से टारगेट करा गया है सरकार को, जो कि इस बंदे का एम था शुरू से। और अपने आप को जो सिद्धू मूसेवाला प्रेजेंट करते थे ना, कोई नहीं कर सकता, कोई नाखून का बाल नहीं है उनके। आप कुछ कहना चाहोगे, आपको क्या समझ आया? मैं तो यही बात कहूंगी कि उसने कहा ना कि टेंशना ने सरकारा, तो सरकारों ने ही उसको खा लिया। सच्ची बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जहां तक महसूस होता है ना कि मैं इसके गाने को सुनती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल डीपली पहुंच जाती हूँ। मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं दिमाग मेरा कहाँ चला जाता है, क्योंकि इसकी जो गहराई है ना, वो गहराई बहुत ज्यादा गहराई होती है, और उस गहराई तक मैं पहुंचना चाहती हूँ कि अगर वो कहता है कि टेंशनों में आ जाती है सरकारें, तो सरकारों ने उसको जब खाया है तो अब नाम दूसरों का लगा रहे हैं कि हाय उसने मरवा दिया, उसने मरवा दिया, उसने मरवा दिया, क्योंकि वो बात बिल्कुल जायज करता था और बिल्कुल सीधी बात करता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था, उसे तो सरकारों ने ही रोक दिया। हकीकत बात बता रही हूँ, सरकारों ने ही रोक दिया, जो उसे खत्म कर दिया कि वो ना होगा, ना उसकी गाने बजेंगे, ना वो लोगों को जागरूक करेगा। बट वो आज नहीं होके बिना अपनी बात को लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं सिद्धू भाई, और उनको जो सपोर्ट पब्लिक की तरफ से मिल रहा है और उसके वो लायक हैं, मतलब हम लोग उनके लायक हैं या नहीं है ये सिद्धू भाई हमें बताएंगे। वो जिस तरीके से गाने को लिखा है कि नोट 11 चलेगी रोडों पे, टेंशन में पै गई ये सरकारा, और मतलब बहुत ही जबरदस्त, और खुद कह रहे हैं कि तबाही है, सीधा कहूं सिद्धू भाई है, पंजाब का भाई है, सिद्धू भाई है। बहुत सही यार, बहुत सही, सिद्धू भाई नेक्स्ट लेवल बंदे हैं यार, बहुत
ही जबरदस्त तरीके से है। इस बंदे को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, ये जीते जी जितने कामयाब थे मरने के बाद भी उतने कामयाब है। कहते हैं ना, किसी इंसान का शरीर ही खत्म कर सकते हो, उसका इतिहास, उसका वजूद कभी खत्म नहीं कर सकते, और सिद्धू भाई का वजूद खत्म करने की किसी की औकात ही नहीं है, सच्ची बात। उन लोगों ने तो ये सोचा ना कि हम इसको खत्म कर देंगे तो हमारे साथ जो जो असलियत है वो छुप जाएगी, पर वो असलियत छुपा बता के तभी वो खत्म हुआ है। ये भी बात है। सही उसने बात सारे है। गाने लिख के और एक साइड में रख दिए थे, जो उसके जाने के बाद वो सारे गाने लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लोगों को सुनाई दे रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। हम लोग सरकारों को कहते हैं कि सरकार इसका फैसला करो, सरकार ही मरवाने वाली है तो फैसला कौन करेगा। देखो मम्मी, सिद्धू के साथ एक बहुत ही बड़ी चीज थी कि ना वो किसी से डरता था, ना वो बोलने से कभी हिचकता था, और हमेशा उन्होंने अपने देश को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, अपनी सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश करी है, और सरकार को हमेशा उन्होंने छाती ठोक के चैलेंज किया है कि भाई तुम यहाँ गलत हो। तो सिद्धू भाई जो कहना चाहते थे वो आज भी कह रहे, तो मैं इस पूरे गाने का इंतजार कर रहा हूँ डिवाइन के साथ, और डिवाइन जब इस गाने को लॉन्च करेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आई होप गाइज आपको भी इस गाने का पूरा इंतजार रहेगा जितना इंतजार हमारे को है। तो सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा सिद्धू भाई के लिए, लेजेंड नेवर डाई, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद। अगर आप यहां तक आए और आपने नहीं करा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाने से क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसी आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देखें आप गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। सिद्धू जिंदाबाद।